जनशक्ति से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनशक्ति में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और आप आए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारी वीडियोस पर, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कृपया करके आप हमारी वीडियो को अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा, कहीं से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, हम चाहते हैं अगर हमारा कोई भी व्यूअर आया है उसे एकदम सही जानकारी मिले, उसे एकदम सटीक जानकारी मिले, उसके साथ में किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन ना किया जाए, जो सही है, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है वो उसके सामने रखा जाए और उसके बाद में उसे जो लगे वो हमें कमेंट में बताए। और हो सकता है कि आपका जो लोन लेने का मतलब जो आप सोच रहे हैं, आप लोन ना लें और आपको कोई और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, जय जनशक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, आपको कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, पूरे यूट्यूब में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। देखिए, हम चाहते हैं जो हमारे व्यूअर हैं उन्हें ज़रा सा भी दिक्कत ना आए भविष्य में और प्रॉपर तरीके से वो अवेयर हो जाएँ। क्योंकि गाइज़, आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पर क्या है आजकल जो यूट्यूबर है ना, कुछ यूट्यूबर, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, बस इतना बता दूँ, अपने आप को फाइनेंस के गुरु कहने वाले जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने सैकड़ों लोगों के जो कहते हैं ना भविष्य पर, मतलब कहते हैं पूरी तरीके से प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, उनके भविष्य पूरा ख़राब कर दिया है। ठीक है, वो कैसे कर दिया मैं आपको वीडियो में बताऊँगा और इस एप्लीकेशन के बारे में प्रॉपर जानकारी बताऊँगा। लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, हम आपको दोनों पहलू बताते हैं, क्या इसकी अच्छी बातें हैं, क्या इसकी बुरी बातें हैं, दोनों चीज़ें आपको आपके सामने ला करके रखते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, देखिए पहले आप वीडियो कंप्लीट देखें, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो देखिए आपको एक सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, आपको इसको प्रेस करना है और ऑन कर देना है ऑल नोटिफिकेशंस को यहाँ से। उससे क्या होगा, कोई भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बहन, अगर कोई भी देख रहे हो उस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आप लोन तो सर्च कर रहे हैं, लोन तो आपको पक्का मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मेरी वीडियो देखनी है, उसके बाद में मुझे बताना है कि क्या आप सहमत हैं और क्या आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन से या किसी भी एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए। तो चलिए, पहले मैं आपको प्ले स्टोर पर लेकर के चलता हूँ, पहले समझा देता हूँ आपको इस एप्लीकेशन के बारे में, प्रॉपर डिटेल दे देता हूँ। देखिए गाइज, ये जो मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन है तो RBI अप्रूव्ड, ये मैं आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। और अगर इसकी आप रेटिंग की बात करेंगे तो इसकी जो रेटिंग है वो 3.7 की इसकी रेटिंग है। अगर आप डाउनलोडर्स की बात करेंगे तो लगभग 1 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया गया है, वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करेंगे तो देखिए, एप्लीकेशन का तो हालात ये है कि NBFC तो रजिस्टर है ही है एप्लीकेशन। अब पर मुझे आप कमेंट में एक बात बताइए, क्या आप इस 10,000 रुपये के लोन से, ये लोन तो आपको 10,000 रुपये दे देगी, क्या आपको इस 10,000 रुपये के लोन से मतलब क्या बेनिफिट होने वाला है? आप अगर इससे 10,000 रुपये का लोन लेंगे, ठीक है, आप इसके फिर वापस करेंगे और आपकी जो तुरंत की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन क्या आपको पता है आप इसके आदि बन जाएंगे, आपकी किसी प्रकार की समस्या होगी, आप फिर लोन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर एक नई एप्लीकेशन ढूंढेंगे, फिर आपको कोई समस्या होगी, आप फिर एक नई एप्लीकेशन ढूंढेंगे। ठीक, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आप इनसे सहमत हैं और क्या ये लोन एप्लीकेशन है आपको एक ऐसे ट्रैप में नहीं फंसा देती कि आप उससे लो फिर दूसरे से लो, उससे लो फिर आप दूसरे से लो? तो ये बात भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो कॉमेंट करके। ठीक है, मेरा काम आपको जानकारी देना है, मेरा काम और लोगों को अवेयर करना है और लोगों को प्रॉपर तरीके से इन सभी से जागरूक करना है। ठीक, तो चलिए अब मैं आपको अबाउट सेक्शन में लेकर के चलता हूँ। देखिए, मैं इसके अबाउट सेक्शन में आ गया, इसने बताया हुआ है ये एप्लीकेशन जो है RBI रजिस्टर्ड है और इस एप्लीकेशन के जो डाउनलोडर्स हैं वो 3 मिलियन हैं, ये अब तक 3 मिलियन को लोन वगैरह दे चुकी है। लेकिन अगर डाउनलोडर्स की बात करें तो इस एप्लीकेशन का 1 मिलियन डाउनलोडर्स हैं, तो यहाँ पर तो झूठ बोल रही है एप्लीकेशन। फिर ये इन्होंने ये गलत मेंशन क्यों किया है भाई, एप्लीकेशन के 1 मिलियन डाउनलोडर्स हैं, इसने बताया कि एप्लीकेशन सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इसके 3 मिलियन डाउनलोडर हैं, कन्फ्यूज़ कर दिया यहाँ तो इस एप्लीकेशन ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और ये जो बातें करती है, ये आपको 10,000 रुपये का लोन प्रदान कराएगी 150 दिन के लिए। ठीक है, 91 दिन से लेकर के 150 दिन के लिए, अगर इससे एक भी दिन नीचे हो तो कोई व्यक्ति लोन ना ले और इससे पहले प्रॉपर तरीके से जानकारी प्राप्त कर ले। अगर इस अबाउट सेक्शन से एक भी दिन नीचे हो तो बिल्कुल भी लोन लेने की आवश्यकता है नहीं, ये बात आप ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ रेट है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ,
ये बताते हैं 25 से 35% तक का इंटरेस्ट रेट भी ले सकते हैं आपसे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरी जानकारी के अनुसार, जो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा है, वो जो मेरा अगर आप ओपिनियन पूछेंगे। और अगर आप ये जानना चाहेंगे कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, देखिए अगर आपके खाते में 12,000 रुपये सैलरी आती है तो ये आपको लोन देगी। ये एक सैलरीड पर्सन के लिए एप्लीकेशन है, ठीक, मिनिमम आपके अकाउंट में पर मंथ 12,000 रुपये आने चाहिए, ठीक, जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है अपने अबाउट सेक्शन में। दूसरी बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये लोन उन्हीं व्यक्तियों को देगी जिनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, और इसमें बता रखा है इसने दिल्ली से हों आप तो आपका सिविल स्कोर चलेगा, ज़रूरी है, महाराष्ट्र से हैं तो आपका सिविल स्कोर बहुत ज़रूरी नहीं है, उनमें किसी भी तरीके की क्रेडिट इतिहास की आवश्यकता इसको नहीं है। इन्होंने जिस स्टेट में क्रेडिट इतिहास की आवश्यकता है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ठीक, समझ गए भाई लोग। अब गाइज मुझे आप एक बात बताइए, ये जो आप लोन एप्लीकेशन के लिए ट्राई करते हैं, जैसे कि मैंने ही पूछा, क्या ये आपके लिए मतलब क्या बेनिफिट दे देगी? मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप अपनी इमरजेंसी ज़रूरतों के लिए लोन लेते हैं ना, तो देखिए मेरे भाई बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। अगर आपको लोन ही चाहिए तो आप किसी ऐसे काम के लिए लोन लें और बड़े बड़े बैंक और NBFC से लोन लें जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके, जिससे आप आगे कमा सकें, जिससे आप अर्निंग कर सकें। और आप जितना भी कमाते हैं, मैं आपको एक सजेशन प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप कितना भी कमाएं, चाहे आप 10,000 रुपये कमाएं, चाहे आप 20,000 कमाएं, 50,000 रुपये कमाएं, आप सभी का मतलब जो घर का जार सारा मैटर है उसका निकाल दीजिएगा सबका, लेकिन आप अपने लिए भी 10% उसमें से निकाल लें, और 10% निकालने के बाद में आप एक काम करें, उस 10% को ऐसे ही मतलब जोड़ते रहें और उसे ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जो कि आपको दूरगामी जो आपकी इच्छाएँ हैं मतलब पूरे तरीके से पूरी कर सके, आपको आने वाले टाइम में वो पैसा दे सके, पैसे से पैसा बन सके। अगर आप ऐसी छोटी छोटी एप्लीकेशंस पे जाते रहेंगे आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा मेरे भाई। मैंने देखा है अब से पहले इतने सारे एक यूट्यूबर एक गुरु करके अपने आप को फाइनेंस का गुरु बताता है, आए दिन व्यक्ति लोन एप्लीकेशन का प्रमोशन देता है, आए दिन कहता है कि भैया ये एप्लीकेशन लो मेरे पास में, आज ये आया वो आया। अरे भैया तू फाइनेंस का गुरु है, लोगों को समझा, जानकारी दे, हम कोई प्रमोशन नहीं करते, हम रियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये तो उल्टी सीधी बातें करता है। मैंने उस व्यक्ति को बहुत उससे देखा, हमने उस व्यक्ति को समझाया कि भैया ये जानकारी ठीक नहीं है, सही जानकारी दे लोगों को, गलत मत बता। बंदा कहता है ये मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, कोई छोटा यूट्यूबर नहीं हूँ। तो मेरे भाई छोटा बड़ा कोई नहीं होता, छोटा बड़ा होकर इंसान की जानकारी के अनुसार, और वेट कर 1 से 2 साल के अंदर तेरे को बता दूंगा मैं छोटा बड़ा क्या होता है। तेरे से कोई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन तूने लाखों लोगों को फंसाया है मेरे भाई, लाखों लोगों को। टेंशन ना ले मेरे भाई, टेंशन ना ले, तू तो एक चैनल या 2 चैनल बना करके सोच रहा होगा कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, तो भाई व्यक्ति कर्मों से बड़ा होकर है, जैसे उसके कर्म रहे। और इंसान को पता होता है कि मेरी इमेज क्या है, मेरी प्रोफाइल क्या है, ठीक। तेरे कहने से तो अच्छा नहीं हो जाएगा, तूने लाखों लोगों को बर्बाद किया है, लाखों लोगों को, जिन लोगों की पॉकेट मनी भी थी ना छात्रों की, वो भी उन्होंने इसमें लगा दी है। तुझे पता है कितना बड़ा स्कैम है, कितने बड़े समस्या लोगों को हो रही है, लेकिन तू जब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना, आखिर वही है ना, चलो क्या कहेंगे, गुरु है तो गुरु बना रहे, हम तेरे को गुरु देखेंगे। गाइज मैं इस लाइन में आना नहीं चाहता था, पर मेरे को लगा कि यार ये लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब मिसगाइड किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो मुझे पहले इनके पास तक पहुंचना चाहिए और लोगों को एकदम सही तरीके जानकारी देनी चाहिए। क्योंकि देखिए प्रमोशन वाले तो बहुत यूट्यूबर हैं, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई यूट्यूबर नहीं है। मैंने बहुत लोगों को जागरूक किया है अपने स्तर से, बहुत लोगों को अवेयर किया है, बहुत लोगों को बताया है कि भाई आप ऐसी लोन एप्लीकेशंस के चक्कर में ना पड़ें, आपका भविष्य तबाह हो सकता है, आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। लेकिन ऐसे कुछ तथाकथित बेवकूफ़ों लोगों ने, तथाकथित कहूँगा मैं उनको, फाइनेंस गुरुओं ने लोगों को बर्बाद करा दिया। और अगर इन्हें अपनी जानकारी पर इतना भरोसा था तो जो ये 15 दिन और 7 दिन वाली लोन एप्लीकेशंस के बारे में बताते थे, प्रमोट करते थे, उन्हें प्राइवेट क्यों कर दिया अगर इन्हें डर नहीं था? पर चलिए हम तो कुछ नहीं कहते, हमारा काम तो जानकारी देना है, वो हम आपको लगातार देते हैं। अब मेरे दोस्त आपको एक बात और बता देता हूँ, ये आपको लोन प्रोवाइड कराएगी, ठीक है 100%, लेकिन आपसे ये फीस भी लेगी, प्रोसेसिंग फीस स्टार्टिंग में। और अगर आपका क्रेडिट इतिहास अच्छा नहीं है तो आपका जो फीस है वो ख़राब जाएगा, ठीक। तो आप ऐसी एप्लीकेशंस पर विजिट ना करें जिससे कि आपका भविष्य खतरे में आ सके, ठीक। ये तो हो गया इसका अबाउट सेक्शन, पूरा मैंने आपको बता दिया जो मोटी मोटी आपके लिए जानकारी थी। अब बात करते हैं इसके रिव्यू वगैरह की। देखिए
लोगों ने इससे रिव्यू दिए हैं। भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनसे पैसा भी ले लिया, उन्हें लोन भी नहीं मिला। भाई जब तुम उनको पैसा नहीं दे सकते तो उनसे पैसा क्यों ले रहे हो? ये सवाल मेरा इस NBFC से है। देखिए लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में बताया है, ठीक। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसने कैसे झूठ लिखा है वहाँ पे। देखिए इस एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ये एप्लीकेशन है इंस्टा रुपी करके, ठीक है। इस एप्लीकेशन का नाम है इंस्टा रुपी करके। इंस्टा मनी मतलब पहले इंस्टा रुपी कहलाती थी, अब ये इंस्टा मनी कर दिया इन्होंने, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है अब इंस्टा मनी है, ठीक। और यहाँ पे देखिए डाउनलोडर्स कितने हैं इसके, डाउनलोडर्स हैं इसके 1 मिलियन। ये वहाँ कह रही है कि 3 मिलियन है, 3 मिलियन को हम लोन प्रोवाइड करा चुके हैं। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भैया, झूठ बोलने से कुछ ना रखा, ठीक गाइस। तो आपको एक बात और बता दें, यहाँ पे देखिए ये तो है एक लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है, ये देखिए आपसे आपका कैमरे का परमिशन लेता है, आपसे आपका कॉन्टैक्ट्स का परमिशन लेता है, आपसे आपकी लोकेशन की परमिशन लेता है, और ये सारी परमिशन ये एप्लीकेशन आपसे लेगा, ठीक। अगर आप एक दिन भी इसका पेमेंट नहीं करते हैं तो इसका तो मेरे पास में कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं सीरियसली बताऊं। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशंस की अगर मेरे पास में देखा जाए शिकायतें ऐसी आई हैं, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है और उनके रिश्तेदारों को कॉल की जाती है कि आपके बेटे ने आपकी बच्ची ने लोन लिया है और उसका भुगतान ये लोग नहीं कर रहे हैं, आप पैसा दीजिए। उनके माथे पर चोर बना करके लिख दिया जाता है, उनको डरा दिया जाता है, उनको धमका दिया जाता है। तो ऐसे इश्यूज़ भी फेस करने पड़ सकते हैं, आपका डेटा भी मतलब जो आपका डिवाइस है उसका डेटा भी मिसयूज हो सकता है। क्योंकि देखिए आप एक बात सोचिए, ये एक कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड कराती है और आपसे ये कुछ तो ले नहीं रही है, अगर इसका पैसा डूबता भी है तो व्यक्ति कहाँ से मतलब ये कहाँ से पैसे को रिकवर करेगी? तो आपके डेटा को बेच के ये वहीं से पैसे को रिकवर करती है, ठीक है। तो आप ऐसी एप्लीकेशंस पर अपना भविष्य ख़राब ना करें। अगर मेरी वीडियो आपको 1% भी पसंद आई है तो कृपया करके मुझे लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल जजन शक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कुछ ऐसे रिकवरी एजेंट अब वीडियो पे आएंगे जो कहेंगे तू तो प्रमोशन कर रहा है, वो कर रहा है। तो आंखें खोलकर, कानों को खोलकर सही से देख लेना क्या इस एप्लीकेशन के बारे में बताया है। वीडियो अच्छी लगी है तो बस लाइक ज़रूर कर देना, और बताइएगा किसी और एप्लीकेशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू।